खैरपुर यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है और वहाँ पहुँच के आपको सैर करवाते हैं खैरपुर के बागात की। दरिया में चलने वाली गाड़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह रात से सक्खर में। सक्खर में इसी कमरे में हमने रात स्टे किया। तैयार हो चुके हैं भाई मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिवाइसेस वगैरह यहाँ पे अपनी चार्ज लगाई हुई थी, वीडियो अपलोड लगी हुई थी। प्रोग्राम है यहाँ से निकलने का घूमने के लिए खैरपुर के गिरदोनवा में बागात। हम रात खैरपुर ही जाकर रुकते, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि खैरपुर के अंदर हमें होटल जो है वो मिलना मुश्किल है, तो सक्खर ही रुकते हैं। और सक्खर में होटल ढूंढते हुए आपके साथ भी शेयर करते चले, सीधा रेलवे स्टेशन वाली साइड पे हैं और रेलवे स्टेशन के करीब करीब आपको सस्ते वाले और नॉर्मल वाले होटल मिल जाएंगे। वरना अगर आप एयरपोर्ट रोड वाली साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर लग्जरी होटल होते हैं थोड़े से, और 5,000, 6,000, 10,000। जो कपड़े मुझे चेंज किए हैं वो पैक करते हैं बैग्स में। ओके सहन भाई, बहुत शुक्रिया यार। ओके भाई, अब निकलते हैं सफर पे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का हमारे आगाज़ हो गया और निकलते ही सामने हमें ये एक नज़र आ रहा है, कोई स्टेडियम टाइप की चीज़। खैर, हमारा आज प्रोग्राम खैरपुर जाके घूमने के ही है। सक्खर में कुछ भी सैर सियाहत का प्रोग्राम नहीं है। मौसम आज सुबह सुबह ही गर्म हो गया, तकरीबन वक्त जो है वो 8:30 का हो रहा है और हम अपने सफ़र पर निकल पड़े हैं। खैरपुर यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है और वहाँ पहुँच के आपको सैर करवाते हैं खैरपुर के बागात की। रात को हमने ब्रिज क्रॉस किया था वो साइड वाला सक्खर बैराज का, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू जो है वो देख सकते हैं, और उससे ज़्यादा खूबसूरत अभी आपको आगे जाके दिखाते हैं। दरिया में चलने वाली गाड़ियाँ। सफ़र पे निकलते ही हमारे ये पहली नहर सक्खर बैराज से निकलती हुई और हम सक्खर से निकलते हुए ये आ गई दूसरी नहर, और ये तीसरी नहर। माशाल्लाह तीन तीन नहरें क्रॉस कर रहे हैं हम। सक्खर से निकले हमें 15 मिनट हो गए तकरीबन, और लगातार इसी तरह बाघ जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सैड न्यूज़ ये नज़र आ रही है कि फल जो है खजूरों का वो तो ख़त्म हो चुका है, और अब पता नहीं खैरपुर वाले इलाके की खजूरें जो हैं उनका फल भी उतरा है या हमें आपको दिखाने का चांस मिल जाएगा। खैरपुर एंटर होते ही हमने सोचा पानी शानी पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये सरदाई का सामान, दो गिलास बनाए यार बड़े वाले, कितने का गिलास? 80 वाले दो बनाओ। यहाँ से खैरपुर शहर जो है मेन वो किस तरफ को, आगे को इस तरफ को? इधर से आगे, ये वाले रास्ते से या ये वाले रास्ते से? अच्छा अच्छा, क्या नाम है शरबत का आपकी जुबान में? थादल। थादल? ये थी थादल। मैं सरदाई कह रहा था, वैसे हमारे इलाके में इस तरह सरदाई बोला जाता है जो शरबत तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थादल कह रहे हैं। तो करते हैं आप थादल, सरदाई नहीं थादल। आप ही हैं। ठंड पा दी, मज़ा आया थादल का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, लेकिन थादल पीते पीते अभी याद आया। और नाश्ता भी करने वाला है, थादल हमने पी ली है, आगे देखते हैं नाश्ते की क्या सूरत बनती है। थादल की वैसे वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे है, अगर आप चाहे बनाना तो आप देख के बना सकते हैं। गारंटी। वो सामने पहुंच गई है ट्रेन, फाटक बंद है और लोगों को जल्दी
और ये हो रही है जी फ्यूलिंग। तकरीबन 7200 का पेट्रोल डाल गया। अब हम यहाँ आके बैठे हैं एक होटल पे, सामान वगैरह मोबाइल वगैरह चार्जिंग लगा दी है, फ्रेश होके भाई मुबारक भी बैठे हैं, पसीने से हालात देखे। गर्म इलाके में आए हैं, बस इतना तो बनता है ना। फिर ऑर्डर हमने दे दिया खाने का, आता है खाना, तो खाना खाने के बाद इंशाल्लाह दोबारा सफ़र का आगाज़ करेंगे, लेकिन वक्त 3 का हो गया और टाइम जो है वो शॉर्ट है, सफ़र बहुत लंबा। खाने में हमने ऑर्डर दिया था दाल माश और चने, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं बनने में, चने मज़ा लगते हैं। हम टेस्ट करते हैं दाल माश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल भी अच्छी है। के बीचों बीच हमें मिला ये एक बड़ा सा शहर, नाम है इलाके का चंडीगढ़। क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है यार आपका? अरमान अली। आपका? तौहीद मुराद। माजिद अली। माजिद अली भाई, पानी मिलेगा यार यहाँ? माशाल्लाह बहुत नेकी का काम कर रहे हो यार आप। यहाँ रुके हैं थोड़ा सा, सांगढ़ के मेन रोड से उतर के सांगढ़ की तरफ ये ब्रांच रोड चलती है। क्या इलाके का नाम है? काठोर। काठोर जी। काठोर, तो पानी शानी पीते हैं उसके बाद इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। सफ़र करते हुए हमें लगातार मोटरसाइकिल पर तकरीबन 80 किलोमीटर हो गए, तो पानी पी लेना चाहिए। छोटू आपका नाम क्या है? जमान। ये मुझे दे दो। ये बाबा। शाबाश। आप रखो। इसे कहते हैं ज़रूरी मशीनों का सही इस्तेमाल लेना। मैंने मोटरसाइकिल कैरियर बनाया है उसने मशीन में। वर्कशॉप स्टॉप पे हम रुके थे, हेलमेट वगैरह की सफाई का काम था, दूसरा कॉल करनी थी रस्ते के लिए, तो यहाँ हमें ये छोटे भाई मिले हैं। मेरे बहुत तजस्सुस हुआ हमारे बाइक्स देख। क्या नाम है आपका? सफीउल्लाह। यहीं से हो? वर्कशॉप मेरे आई है माशाल्लाह। और ये इनके बड़े भाई, क्या हाल है छोटे भाई? ठीक हो? अरे क्या नाम है आपका? गुलाम हसन। तो जाते जाते सफीउल्लाह की दुकान से सोचा कि फ्रूट भी लेते चलते हैं। घर जो है भाई सलामत के यहाँ से नज़दीक है, तो फ्रूट जो है भाई यहाँ से खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और प्यास भी फील हो रही थी यहाँ से, तो चलते चलते पानी जो है वो भी ले लेते हैं। ये दुकान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भाई? ठीक है खैरियत? यार ये पानी चाहिए था, कितने का? बहुत ही थका देने वाला सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं स्टॉप पे, जहाँ से हमारी मुलाकात होनी है भाई सलामत से। बीमारी कैसा रहा सफ़र? लक तोड़। लक तोड़, लोहे तोड़, जबरदस्त। ले जाइए कोई नहीं, ऐसी भी अड्डी दूरों आए हैं। गरम जोशी।
अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से भाई सलामत के घर हम पहुंच गए बिस्मिल्लाह। और यहाँ अब हो रहा है खाना माशाल्लाह। हमारे पास खाने में दाल भिंडी और काफ़ी कुछ है। अपने ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं, आपसे चाहते हैं इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।